हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे हम रेस्टोरेंट और ढाबे में मिलने वाला बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला स्नैक्स मसाला पापड़ को। तो इसको बनाने के लिए हमने ले लेना है एक पापड़ और इसको फ्राई कर लेना है। फिर ले लेना है एक बाउल में कटे हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ खीरा। इसमें डाल देना हमने ब्लैक सॉल्ट और रेड चिली पाउडर और ग्रीन चिली छोटे छोटे काट के। फिर डाल देना इसमें थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू का रस। फिर इन सबको एक चम्मच लेके अच्छे से मिला लेना है और इस तरह से हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। और हमने ले लेना पापड़ और इसको इसमें अच्छी तरह से डाल देना है और इसके ऊपर से डाल देना हमने कुछ अनार के दाने और सेव भुजिया नमकीन। और इस तरह से बहुत ही आसान सा स्नैक्स मसाला पापड़ बनके रेडी हो गया है। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।